क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारतीय क्रिकेट टीम के अगले चयनकर्ता कौन होंगे? एमएस के प्रसाद के बाद अब कौन इस अहम पद पर काबिज होगा? ये सवाल न सिर्फ फैंस के मन में है बल्कि टीम के खिलाड़ी भी इसे जानने को लेकर बेकरार है, क्योंकि टीम के चीफ सिलेक्टर पर ही खिलाड़ियों के भविष्य का आधार टिका होता है। तो बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता को लेकर वैसे तो तीन नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें पहला नाम भारत के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन का है। वहीं दूसरा नाम राष्ट्रीय चयन पैनल में पूर्व ऑफ स्पिनर राजेश चौहान का है। वहीं तीसरा नाम बाएं हाथ के बल्लेबाज रहे अमय खुरसिया का है। इन तीनों ने इस पद के लिए आवेदन भी कर दिया है। हालांकि इन तीनों में शिवराम कृष्णन की दावेदारी काफी अहम मानी जा रही है। भारत के लिए बेंसन एंड हेजिस क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप में नायक रहे शिवराम कृष्णन 20 साल से कमेंट्री कर रहे हैं और वो आईसीसी क्रिकेट समिति का हिस्सा भी रह चुके हैं। साथ ही साथ वो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में स्पिन गेंदबाजी कोच भी हैं। मगर सामने ये भी आ रहा है कि पूर्व जूनियर मुख्य चयनकर्ता वेंकटेश प्रसाद और पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर ये दोनों आवेदन करते हैं तो चयनकर्ता का चुनाव करना काफी मुश्किल भी होगा और दिलचस्प भी, क्योंकि सब अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। तो आपको क्या लगता है, शिवराम कृष्णन, वेंकटेश प्रसाद और संजय बांगड़ में से कौन टीम इंडिया के नए चीफ सिलेक्टर बनने के लिए सबसे योग्य है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।